मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर पिछला कुछ दिनों में जो हुआ है उसने हमारे आने वाले काल के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। हरीश, कपिल, तुम दोनों को रानी कॉर्पोरेटिव को हिस्सों बनना पड़ेगा और वाकई तुम दोनों को हमारा काम समझना पड़ेगा। मॉम, वैसे तो ये मेरे खून में है। टेल मी मॉम, नशाकरण में और उसको धंधों संभालन में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। माँ, मुझे इस ड्रग रैकेट का हिस्सा नहीं बनना बिल्कुल भी। I'm out. कोई बात नहीं, ते जब चाहो अपनी फ्लाइट की टिकट कटा के वापस जा सको। पंचानाष्टमी तक रुक जाओ, तुम्हारे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर मैं काजल को भी अपने साथ ही लेके जाऊंगा। काजल तारी बीवी है, बकरी को नहीं। वहां का फैसला वो खुद कर सके है। अगला दो हफ्ता के बाद जन्माष्टमी के दिन मैं तुम लोगों में से किसी एक को अपना वारिस चुनूंगी। तुम लोग मतलब? मां यहां पर धीमन भी बैठा है। मतलब तुम कौन हो, क्या किया है, उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगला दो हफ्ता में थे लोग क्या करते हो और क्यों, उससे हमारे फैसले पे घनो फर्क पड़ेगा। हमें करना क्या होगा बा? वो तुम्हारे पे छोड़ दो। पर इस दौरान किसी को कुछ हो गया तो? किसी को या हमारे को? मुनीम जी। जी रानी बा। आप ही बताओ क्या? इसको फैसला ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ बिल में सब कुछ लिखा हुआ है, पर यहाँ बिल को रानी बा अपनी मर्जी से कभी भी बदल सके हैं। वारिस कोई भी बढ़े, रानी कॉर्पोरेटिव चल तो रहेगा।